भाजपा नेत्री भारती साहू ने छतरपुर तहसीलदार रंजना यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सागर कमिश्नर को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरे मामले में छतरपुर तहसीलदार रंजना यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा नेत्री का निजी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर छतरपुर तहसील न्यायालय द्वारा हाल ही में 2 दिसंबर को एक आदेश पारित हुआ है, जिसको लेकर भाजपा नेत्री भारती साहू असंतुष्ट है। मनगढ़ंत आरोप लगाकर दबाव बनाना चाहती है। तहसीलदार का कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वे सभी निराधार हैं। जी, हमारा सागर कमिश्नर महोदय अपना सर्किट हाउस नौगांव में आए थे, जिसमें हमने तहसीलदार सुश्री रंजना यादव जी, जो कि तहसील को एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना चुकी हैं, वो हर प्रकरण पर सीट पर बैठकर पैसे लेती हैं, कभी डेस्क पर नहीं बैठती हैं। पिछले महीने वो मुश्किल से 2 से 4 घंटे डेस्क पर बैठी हैं और 100 से 150 उन्होंने प्रकरण निपटाए हैं, वो भी पूरे 90% प्रकरणों में पैसे लिए हैं। और ये मैंने 20 प्रकरण दिए हैं सर को, जिसमें से कि सारे के सारे सर्टिफाइड हैं, और इसमें इन प्रकरणों में कम से कम 1 करोड़ की रिश्वत मैडम के द्वारा ली गई है। मैडम छतरपुर तहसील में पदस्थ है, और जब से आई है, मेरी तो एक ही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से सभी से और सर से, कलेक्टर महोदय से यही निवेदन है कि कृपया इनकी जांच करवाई जाए। भारती साहू मैडम का सौरा मंडल में एक केस था, जो अपर कलेक्टर महोदय के द्वारा ट्रांसफर करके मुझे आदेश करने हेतु उस फाइल को ट्रांसफर किया गया था, और जिसमें मेरे द्वारा 2 दिसंबर को आदेश कर दिया गया। आदेश के पूर्व में माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ से उसमें FICP रखने के लिए निर्देशित किया गया था, एक आदेश हुआ था, जिसके परिपालन में मैंने ये केस ना तो भारती साहू मैडम के पक्ष में हुआ है ना ही दूसरे पक्ष में हुआ है। ये 250 धारा का केस था।